तो बच्चों, हम बदले अपनी सोच नामक पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ में अब तक मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, सौरमंडल के बारे में बताया, धरती के बारे में बताया। धरती सौरमंडल में हमारे 9 ग्रह है। 9 ग्रहों में केवल धरती के ऊपर ही जीव है। जीव यानी प्राण है, केवल धरती के ऊपर ही प्राण है। धरती के ऊपर ही प्राण है यानी जीव है, इंसान है, पेड़ पौधे है, और धरती के ऊपर ही प्राण वायु है यानी ऑक्सीजन। प्राण वायु है और पानी है, और पानी है। तो भगवान ने हमें अच्छी धरती दी है, हम उसका नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की युगरत्न श्रीवास्तव भाषण दे रही है। कहां पर भाषण दे रही है? कब? 2009 सितंबर को भाषण दे रही है। हमारे धरती पर क्या नष्ट होने वाला है, ऐसे प्रश्न डालकर वो पूरे सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दी है। तो देखो बच्चों, हमारा धरती, ऐसे धरती इस दुनिया में, इस विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर जीव है और यहाँ पर रात दिन होते हैं। हमारे रात 24 घंटे लगा है। धरती अपने आप गोल घूमने के लिए 24 घंटे लेती है, और सूरज के गोल घूमने के लिए 365 दिन लेती है अपने आप घूमने के लिए 24 घंटे। हमारे धरती घूमने के कारण ही हमारे को दिन और रात हो रहे। जब धरती सूरज के सामने घूमते 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 सूरज के सामने की तरफ आती है, सूरज की रोशनी धरती पर गिरती है, तो हमारा दिन होता है। फिर धरती ऐसा घूम कर फिर पीछे की तरफ जाकर इस तरफ का हिस्सा इस तरफ आ जाता है। तो इस तरफ सूरज की रोशनी नहीं रहती है तो उस तरफ अंधेरा रहता है, तो रात बोलते हैं। और रात के समय वहां पे हमें चंद्रमा की रोशनी से हम हमारा जीवन व्यतीत करते। धरती को हम वसुंधरा कहते हैं। धरती को हम क्या कहते हैं? वसुंधरा कहते हैं, यानी सब कुछ अच्छे अच्छे चीजों से भरी हुई है। तो देखिए, हमारे पास धरती पर क्या है? प्राण वायु है, पानी है, पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, तो ये पूरे रहने के कारण एक दूसरे की मदद से इस धरती चल रही है। और गैस, गैस है इस तरह बोलते गए तो बहुत कुछ धरती पर है, लेकिन हम वो सब नष्ट करने जा रहे हैं। कैसे नष्ट करने जा रहे हैं? हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, कितना बोले उतने बार पेड़ों को काट रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, पशु पक्षी का नुकसान कर रहे हैं, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राणवायु का, ऑक्सीजन को हम खराब कर दे रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? हम जाकर सिग्नल्स के पास गाड़ी हम रोकते नहीं, इसी तरह चलाते रहते। जब क्या होता है, वहां से धुआं निकलता है, वो धुआं पूरा, गर्म धुआं पूरा निकल जाता है, आसमान में ठहर जाता है, वो बादलों को आड़ा रह जाता है। इसके कारण गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होने से हमें बहुत मुश्किल होता है। तो आगे हम देखेंगे, तो इस तरह युगरत्न ने सभी नेताओं को सोचने के लिए मजबूर कहा है, मजबूर किया है। और वो कहती है कि यहाँ पे हम क्यों उपस्थित हुए हैं? पर्यावरण की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, पर्यावरण की समस्या को दूर करने के लिए एकत्रित हुए, गैदर हुए हैं। वो कहते हैं कि हर लड़के
हर किताब में पर्यावरण के बारे में एक पाठ होना चाहिए, ताकि हर छात्र, हर स्टूडेंट उसे जानकर उसका उपयोग कर सके। वो कहती है कि ज्योमेट्री तकनीकों को बढ़ोतरी देना चाहिए, यानी जिसका हम फिर से इस्तेमाल कर सके, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे। फिर भी तो देखिए, पेपर बैग्स, बनी बैग्स तो उसका इस्तेमाल करें, कल के दिन वो खराब हो गया तो हम धरती पर फेंके तो भी धरती के अंदर जाकर वो पूरा पिघल जाकर धरती में मिल जाता है। प्लास्टिक ऐसा नहीं हो सकता है, वो हजारों सालों तक वैसे ही रहता है। ऐसा पूरा होने से क्या हो रहा है, हमारी धरती गर्म हो जा रही है। प्राचीन काल में देखिए, बारिश बहुत अच्छा बारिश होती थी, लेकिन अब जब चाहे जब बारिश होती है, अब बारिश होते हुए ऐसा मूसलाधार वर्षा गिरती है कि सभी रोडा सड़क पूरे पानी से भर जाते हैं, बिना समय, अमौसम में, यानी मौसम नहीं रहता है, समय नहीं रहता जब बारिश गिरती है। जब बारिश गिरने से क्या होता है, फसलें खराब हो जाती है। जब मूसलाधार बारिश गिरता है तो पानी पूरा आकर फसलों में ठहर जाता है, फसलें क्या हो जाती है, सड़ जाती है। तो यह कहती है कि युगेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि हम ऐसे जैवमित्रित तकनीकों का इस्तेमाल करना, तकनीक मीन्स टेक्नोलॉजी। मैं दुनिया के सभी नेताओं से दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या देखेंगे, क्या पर्यावरण की समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक भौगोलिक यानी भौतिक ज्योग्राफी भौगोलिक, तो दो प्रश्न पूछती है, एक भौगोलिक, भौगोलिक फिजिकल, भौगोलिक तो पर्यावरण की समस्याएं यानी भौगोलिक, अभी मैं बताता हूं, राजनीतिक, राजनैतिक, राजनैतिक सीमा, सीमाओं और आयु समूह। तो पर्यावरण की समस्याएं भौगोलिक यानी फिजिकल, तो एक अब हमारा देश है, क्यों पर्यावरण की समस्याएं केवल हम ही हल कर सकते हैं, क्या केवल हमारे देश तक ही सीमित है क्या? हम पेड़ पौधे काटना रोकेंगे, गैस का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल करना हम रोक दिए तो क्या पूरी दुनिया का सामना कुछ हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है? नहीं। तो क्या करना चाहिए, सभी मिलकर यानी पूरी दुनिया मिलकर, पूरी राजनीतिक, पॉलिटिकल से कुछ होता है क्या, धरती के अच्छा होता है क्या? नहीं। सीमाएं, बॉर्डर्स, बॉर्डर से कुछ होता है क्या? नहीं। आयु, ग्रुप यानी केवल बड़ों के लिए होता है, केवल छोटों के लिए, जवानों के लिए होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, दायरे में होती है। ये पूरा सोचकर हम धरती का सजा कर सकते हैं कि धरती को नहीं, मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, मेरा उत्तर निश्चित डेफिनेटली ये नहीं है। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है कि ये पूरे सोचकर धरती की तरफ कदम उठाना चाहिए, धरती की अच्छाई के लिए कदम उठाना चाहिए। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाना चाहिए, यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स टॉपिक्स पर क्या करना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। कैसे? अब देखिए, राजनीतिक प्रॉब्लम, हमारे देश के आजू बाजू कई देश रहते हैं, उनसे हम अच्छी तरह रहना चाहिए, और वो कहना चाहिए कि उनके देश से जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं वो गंदा पानी वो ही रहता है, समुद्र में ना फेंकना चाहिए, भूमि में ना, धरती पर ना छोड़ना चाहिए, और तालाबों में ना छोड़ना चाहिए, ना समुद्र में ना छोड़ना चाहिए, और सीमाएं, बॉर्डर्स, क्या हम ही इतना है, चलो हमारा एरिया एक अच्छा है, टुकड़ा एक ही अच्छा है, बाकी का कुछ भी हमें क्या करना है,
लेकिन वहां की गंदगी हमारे पास आती नहीं, आई यानी ग्रुप्स। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, यानी बल्कि क्या है, पूरी दुनिया वाले सोचकर यह करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करवाएं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। अब एक देश अच्छा है, उदाहरण के लिए हमारा देश ही लो, हमारा देश बहुत अच्छा है, समय के अनुसार पानी वर्षा होती है, समय के अनुसार सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाजू के देशों में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आके हमारे से पूछते हैं, चलो भाई आपके देश में ऐसा हो रहा है, आपके देश में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करते हो, हम क्या नहीं कर रहे, हमारी गलतियां कहां पर है, उसे देखकर उसको हम दूर कर लेना चाहिए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल किया जाए, ऐसा सोचकर बातचीत में, इस तरह के बातों में बच्चों और युवकों, बच्चों यानी छोटे बच्चे, छोटे बच्चे को क्या पता है, जाने दो उसे, छोड़ दो, उससे क्या होता है बोलकर हम समझे समझो, उसको हम नहीं पता है, चलो भाई पानी भर गया, नल बंद करना उसको अच्छा नहीं दिखता, वो खेलते रहता है, लेकिन हम उस बच्चे को समझाए, अरे पानी भर जा रहा है, बकेट भर जा रही है, तो उसका नल हम बंद कर दिए, तो उसे समझाना कि पानी भरते की बंद दिए, तो कल के दिन ये होता है, नहीं तो, तो हमारे दुनिया में पानी पूरा बेकार समंदर में चले जा रहा है, व्यर्थ ही समंदर में चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, रोडों सड़कों डाल दी, वो डाल दिए, ये डाल दिए, पूरा पानी गिरता है, मोरियों में चले जाता है, फिर बाद में वो पूरा समंदर में चले जाता है। तो इस तरह हम बच्चे और युवकों अरे वो पढ़ने वाला है, उसको ये सब क्या करना है बोल के हम छोड़ दिए समझो, उसे कुछ भी ये ज्ञान नहीं आता है। तो बच्चों और युवकों को, छोटे बच्चों को और जवानों को इसमें भी शामिल करना चाहिए, कि ऐसे बातों में शामिल करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, मैं आशा करती हूँ, कौन आशा करती है, युगरत्न श्रीवास्तव कह रहे हैं कि मैं आपसे ये मांग करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मानवीय दृष्टिकोण, इंसानियत से सोचेगी, यानी अच्छा सोचेगी, पुरानी बातों को भूल कर नए कदम उठाएगा, पुरानी बातों को, अब तक जो कुछ भी हो गया है उसके बारे में हम सभी बातें भूल जाकर अब आगे हमें क्या करना चाहिए बता रहे, पूछ रहे, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा, अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, तो अब हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान यानी अब चलने वाला समय, वर्तमान और भविष्य है, भविष्य यानी फ्यूचर, ये दो हमारे हाथ में है। तो भूतकाल तो हमें नहीं, भूतकाल यानी जो चला गया, उसे भूतकाल बोलते हैं, जो चले गया से समय तो हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास तो केवल वर्तमान है, वर्तमान में हम कुछ करेंगे तो भविष्य में हमें काम आएगा, वर्तमान में। अब देखिए, पानी व्यर्थ जा रहा है बोल के मैं समझाया था, पानी व्यर्थ नहीं जा रहा है तो क्या करना है, बांध बांधना है डैम बांधे तो पानी वहां पर रह जाता है, जब ज्यादा हो गया तो उसे छोड़ देने की और दूसरी बात है। तो इस तरह कहीं बांध बांधने पर वो पूरा पानी क्या होता है, उपयोग में आता है। अब करेंगे अभी यानी वर्षा ऋतु में ही करना चाहिए, क्यों, पानी बरसते समय पानी पूरा बरस गया है, फिर जब बाद में हम धुपकाल में डैम बनते हैं तो उसका फायदा क्या, जब पानी रहता है क्या, नहीं रहता है, तो यही है वर्तमान। तब हम वर्षा ऋतु में पानी का बांध बनकर इसका स्टोरेज करें तो बाद में हम भविष्य में यानी धुपकाल में गर्मियों की छुट्टी में पानी बांध से पानी हमें पीने के लिए आता है, तो हम अभी कुछ नहीं करे तो बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान अच्छा रहे तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। अब हमें यानी आपको, मुझे नहीं, केवल युगरत्न श्रीवास्तव को या नहीं, पूरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चे बूढ़े स्त्री और पुरुष, सभी को क्या करना चाहिए कि हम इसके बारे में सोचना, गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें कुछ ऐसे कदम ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण होगा। हमें ऐसे कदम करना उठाना चाहिए कि आज जो हम काम करते हैं तो भविष्य में हमें काम आता है। एग्जाम्पल, आज हम बहुत जवान हैं, पढ़े हैं, लिखे, नौकरी कर रहे, नौकरी करें जब, आपका तो फर्ज है, आपका कर्तव्य ये बनता है कि कल बूढ़े हुए जब भी आप नौकरी कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए जब सबके सामने जाके भीख मांगना पड़ता है? तो ऐसा नहीं होना है। तो क्या करना चाहिए? बैंक में बैलेंस डाल देना चाहिए, जितना आप कमाते हो थोड़ा बैंक में डालते जाओ, वही आपको बुढ़ापे में काम आता है, अच्छी तरह राजे की तरह रह सकते। आप जवानी में पूरा जो कुछ भी खर्च कर दे के, खर्चा कर दे के वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया, तो बुढ़ापे में आपको क्या करना पड़ता है? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम भी क्या करेंगे पर्यावरण के लिए? अच्छा सा सोच करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। तो अब मैं पर्यावरण प्रदूषण के थोड़े बहुत मैं आपको बताता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण यानी किस तरह का, कैसे हो रहा है, इसके चार प्रमुख कारण है। एक, भू प्रदूषण, भू यानी धरती। दूसरा, जल। तीसरा, वायु। और चौथा है ध्वनि। तो भू प्रदूषण यानी धरती का प्रदूषण, हम इस चीज कैसे कर रहे हैं? धरती का प्रदूषण हम ऐसा कर रहे हैं कि पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, खेती बाड़ी की जमीन भी पूरा प्लाट्स बना के खरा बन दे रहे, और जंगल काट देने से खुआर जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स पूरे गायब हो जा रहे। पहले जमाने में बहुत से हमारे पास शेर थे, अब शेरों की संख्या बहुत कमी हो जा रही, यानी आते 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 क्या हो रहा है, पूरा कम होते जा रहे, यानी इसका मतलब वे मरते जा रहे हैं, उनकी प्रजाति पूरा नष्ट होने जा रही। और भू प्रदूषण को हम ऐसा भी कर सकते हैं, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी आता है हम धरती पर छोड़ देते हैं, तो धरती के अंदर धरती खराब हो जाती है। जल प्रदूषण, पीने का पानी, हम इसे कैसे करते हैं? सभी लोग जाकर कंपनी वाले वहां पे जो कुछ भी गंदा पानी, फिर कुछ मटेरियल तैयार करने के बाद गंदा पानी आता है, वो पानी पूरा हम जल में पानी में बहा देते हैं। नहीं तो हमारे घरों के पास नाला है, नाले में हम क्या करते हैं, कचरा डाल देते हैं। कचरा डालने से क्या होता है, वो कचरा पूरा भर जाता है, जब पानी जाने का रास्ता रहा बंद हो जाए तो पानी बढ़ जाता है और हमारे घरों में आ जाता है। तो इस तरह हम जल प्रदूषण कर रहे हैं। जल और वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन को हम किस तरह कर रहे हैं? जहां पर हम जाते हैं, सड़क पर हम जा रहे हैं, ध्वनि वायु यानी गाड़ी हम बंद नहीं करते, सिग्नल के पास गाड़ी बंद नहीं करते, हवा आते रहता है, केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे कुछ केमिकल्स आते रहते हैं, हमसे धुआं आता रहता है, हम इस तरह रहना पड़ता है। इससे क्या होता है, वो पूरी हवा मिल जाती है, धरती पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या है, प्रदूषित हो जाता है यानी खराब हो जाता है। तो उस तरह की हवा हम पीने से, सांस लेने से क्या होता है, हमारे अंदर के फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो अब है ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज। आवाज को हम ऐसा करते हैं कि अब देखिए, त्योहार आने दो या फंक्शन होने दो, शादी होने दो, ब्याह होने दो, बर्थडे होने दो, वहां पे डीजे लगा के बहुत सा ऐसा लगाते हैं कि रात के 12 बजे तक लगाते हैं। रात के 12 बजे तक ऐसा लगाने से क्या होता है, कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि सर पर हथौड़ा लेकर मारे वैसा। इस तरह ध्वनि प्रदूषण यानी आप कह सकते सर क्या भी हो, कुछ भी नहीं होता है सर, कुछ भी नहीं होता है, आपके आंखों के अंदर के पर्दे, कानों के अंदर के पर्दे क्या है, फट जाते हैं, फिर बाद में आपको
कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता है, क्यों? यहाँ कान के पर्दे फट जाते हैं। इसीलिए हम धरती को बचाना है तो ये चार तरह के प्रदूषण भी हम रोकना चाहिए। इसे रोकने से धरती होती है जल में और ध्वनि प्रदूषण। अभी अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इससे पहले बताया था, यानी धरती गर्म होना। इसका गर्म होने से क्या होता है मैं बताया ना, बारिश नहीं होती है, धरती गर्म हो जाकर फट भी जा सकती है। तो बच्चों ये है आज का हमारा पाठ, बाकी का कल।